ए मरानी खड़ी हो चल, सुबह के 9 बज रहे हैं, ये कोई सोने का टाइम है क्या? आप भी ना थोड़ी देर और सोने देते हैं। आपको पता है रात को मैंने व्हाट्सएप पे कितना काम किया? रात को 3 बजे व्हाट्सएप पे काम करके सोई थी, समझे? ए मैडम, ऐसे करो, मेरे लिए एक कप बढ़िया इलायची वाले चाय बना के लेके आओ। पूरी रात मैं खेतों में पानी लगा रहा था, यू नो। ठीक है लाती हूँ, मुझे तो चैन से सोने भी नहीं देते। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे ऐसी बीवी मिली। लो जी चाय। रम मिला देती इसमें थोड़ी। सुनो जी, आज शाम को मैंने घर में व्हाट्सएप की पूजा रखी है, मेरी सारी सहेलियाँ आएंगी। एक बात बताओ, मैं प्रसाद में क्या बांटूं? तू ऐसे कर, प्रसाद में तेरी सहेलियों को मेरा मोबाइल नंबर बांट दे, तेरे को बहुत पुण्य मिलेगा। चुप रहो जी, आपको तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। और एक मेरी बात कान खोल के सुन लो, व्हाट्सएप की पूजा के बाद ना मुझे सामने वाली बिल्डिंग से पटाखे दिलवा के लेके आना। पूजा के बाद मैं पटाखे बजाऊंगी। हाँ एक बात बता तू मुझे, तुझे कैसे मालूम कि सामने वाले बिल्डिंग में पटाखे मिलते हैं? आपका दोस्त प्रदीप बता रहा था कि भाभी जी सामने वाली बिल्डिंग में खूब पटाखे हैं। अरे ओ एजुकेशनल स्टूपिड वुमेन, पढ़ी लिखी बुरी औरत, ना समझ गंवार। वो पटाखों की बिल्डिंग नहीं है, वो लड़कियों का हॉस्टल है। चल पानी गर्म कर मेरे लिए, मुझे बाथिंग करना है। गो। अब क्या नहाना जरूरी है? अभी 5 दिन पहले तो नहाए थे। मुझे तेरी शक्ल रोज देखनी जरूरी है क्या? जो आज भी देखूं, चल दूर रह जा मेरी नजरों से। गो। सड़े शक्ल वाली आ क्या कर रही है? क्या कहा, सड़े हुए मुंह वाली? जब मेरी शादी हुई थी आपसे तब तो बड़े कहते थे कि मेरी दीपिका पादुकोण, मेरी सोनाक्षी सिन्हा, मेरी प्रियंका चोपड़ा, और अब मैं आपको सड़े हुए मुंह वाली लगती हूँ। जाओ जाके ले आओ किसी ऐश्वर्या राय को, आज तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। हाँ जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, मैं भी मेरी जिंदगी शांति से जी लूंगा। तो मैं जा रही हूँ। तो जा ना, वाई आर यू स्टॉपिंग, रुकी हुई क्यों है तू? कान खोल के सुन लो, मैं जा रही हूँ। अरे कान तो मेरे उसी दिन खुल गए थे जिस दिन तुझसे शादी की थी मैंने। गोइंग। तो मैं जा रही हूँ। ओके बास्टर्ड ब्लडी फूल लेडी। ये लो, तूने मेरी जिंदगी हेल बना दी है, हेल। नरक निवासी। ये लो। अब बता, जाऊं के ना जाऊं? अरे सिमरन, मैं तो मजाक कर रहा था यार, मेरा जीवन तेरे बिना तो कोरा कागज कोरा ही रह जाता।